शहर के कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक वृद्ध घर में टूटे पड़े कांच के गिलास के टुकड़ों के ऊपर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में वृद्ध को उसकी पुत्रवधू ने पड़ोसियों की मदद से 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी में रहने वाले हरिओम गुप्ता के परिवार में एक बेटा और बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। हरिओम गुप्ता अपने पुत्र और पुत्रवधु के साथ बलदेवपुरी में किराए के मकान में रहते हैं। उनका बेटा दूसरे शहर में हलवाई का काम करता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात हरिओम गुप्ता छत पर से नीचे आ रहे थे, जहां घर में किसी बच्चे से कांच का गिलास टूट गया था और वो आंगन में टूटा पड़ा था। वृद्धा हरिओम गुप्ता जब छत पर से उतर कर आए तो अंधेरे में अचानक कांच के टूटे पड़े गिलास पर गिर गए, जिससे उनके सर में कांच के टुकड़े घुस गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायल वृद्ध हरिओम गुप्ता को उनकी पुत्रवधु सोनम ने पड़ोसी युवक की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक गिर गए गिलास पे, तो सर में लगे गिलास कहाँ पड़ा था? गिलास जमीन पे पड़ा था। तो कितनी चोट आई इनके? हाँ, सर में लग गई है। क्या नाम है इनका? हरिओम गुप्ता। क्या करते हैं ये? कुछ नहीं करते। कहाँ रहते हैं आप? हम बलदेवपुरी पितर नगरी। अब कहाँ लेके आए? अब ऐसी लाइन हॉस्पिटल। कैसे लेके आए? एम्बुलेंस से। फिलहाल घायल का उपचार जारी है।